हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तंवर मार्क्स। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि ए फोर साइज़ कौन सा होता है। जो एक प्रिंटर पेपर है वो एक ए फोर साइज सीट होती है। जैसे कि ये मेरे हैंड में है, दैट्स एन ए फोर सीट। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था क्यों ना ए फाइव से ड्राइंग बुक अनबॉक्स करनी चाहिए। सो मैंने फ्लिपकार्ट से 2x2A5 ड्राइंग बुक परचेस कर लिया। काफ़ी लोगों के मन में डाउट होती है कि ए फाइव ड्राइंग सीट कितनी बड़ी होती है, तो मैं इसे कंपेयर करके दिखा दूंगा ए फोर सीट के साथ। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा क्वालिटी पेपर रहता है। लेट्स गो। मैंने 2 डिफरेंट ब्रांड्स की ड्राइंग बुक परचेज की है, मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इसे बाहर निकाल के देखते हैं। मैं अगर फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूं, तो ये काफ़ी क्यूट सा ड्राइंग बुक है। एकदम छोटा सा है बट इट्स वेरी क्यूट। आइए इसे बाहर निकाल के देखते हैं। ये मुझे 2 की पेयर में मिली है। एक्चुअली ये हमेशा पेयर में सेल होती है। आई थिंक सेलर को इशू होता होगा एक में सेल करने में। इसमें 50 सीट्स हैं। अगर एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि A5 साइज़ जो होगी ड्राइंग बुक की वो थोड़ी बड़ी होगी, बट टू माई एक्सपेक्टेशन ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। क्योंकि A4 सीट से मैं जब इसे कंपेयर करूँगा तो आपको साफ साफ डिफरेंस पता चलेगा कि कितना छोटा है ये वाला। अगर मैं इस स्केच बुक की बात करूँ तो ये भी वही साइज़ है A5। जैसा कि मैंने बोला, 2 बुक मैंने परचेज किया है सेम साइज़ की, तो ये भी पेयर में मुझे मिली है। ये वाली आर्क स्प्रिंट ब्रांड है। मैंने देखा था इसका रिव्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो A5 में आती है 15x21 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 15 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 21 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। ये वाली जो आर्टिस्ट प्रो सीरीज़ है, ये कौन कौन सा मीडिया आप इस पर बना सकते हो? आर्सेलिक, वाटर कलर पेंसिल, पेन, पेंसिल, एसिड फ्री, हैवी वेट, माइक्रो परफोरेटेड पेजेस। तो इसमें ओवरऑल आप देखो तो सारी तरह की आप ड्राइंग बना सकते हो, चाहे वो कोई सा भी हो, आर्सेलिक हो, पेन से हो, पेंसिल से हो, एक्सेट्रा। पेज की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये बिल्कुल ही वाइट पेज है, आपको येलो पेजेस इसमें नहीं मिलेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब इस पर ब्लेंडिंग जो है वो परफेक्ट होगी, तो आपको ड्राइंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसकी पेजेस के बारे में बात करते हैं। ये भी एसिड फ्री है फॉर प्रिलिमिनरी ड्राइंग। अगर आप एक बिगनर हो तो भी इसे यूज़ कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें लिखे हैं कि ड्राई मीडिया सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो। पेज क्वालिटी की बात करें तो ये भी एकदम सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं। अब बनाने के बाद ही पता चलेगा। ये A5 ड्राइंग बुक जो है आपको ट्रैवल के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी ड्राइंग करने में। आप इजीली इसे अपने बैग में कैरी करके ले जा सकते हो कहीं भी और ड्रॉ कर सकते हो। एक्सप्रिंट ड्राइंग बुक की पेजेस बहुत ही ज़्यादा थिन है इन कंपेरिजन टू आर्टिस्ट प्रो सीरीज पेजेस। वाली थोड़ा थिक है एंड दिस वन इज लिटिल थिन। मेजर डिफरेंस ये है कि आप सपोज ड्राइंग करने जाते हो बाहर, आपने इस पर ड्रॉ कर लिया इन दोनों पे, आप इसे जब टियर करोगे तो आपके चांसेस है कि ड्राइंग एरिया वाले पेजेस भी टियर हो जाएं। बट इन दिस आर्टिस्ट प्रो सीरीज ये जो है ऊपर में, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आप यहाँ से इजिली इसे टियर कर सकते हो। ये एक बहुत ही हेल्पफुल लगी मुझे आर्टिस्ट प्रो सीरीज वाले बुक में। ओवरऑल तो मुझे ये बहुत ही क्यूट से ड्राइंग बुक लगे। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ A4 के ड्राइंग बुक के साथ कि ये कैसा साइज होता है। बहुत लोग को साइज में डाउट रहता है। ये एक मेरे पास ड्राइंग बुक है A4 साइज वाली, 140 GSM है इसकी। इसमें बटर पेपर के साथ आता है, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सिर्फ ड्राइंग बुक मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ, इस पर पेज मैं नहीं बनाता। पेज के लिए मेरे पास ये वाली सीट्स हैं, मैंने इसकी भी अनबॉक्सिंग की हुई है। कार्टेज सीट्स है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर लेना। और वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखो साइज़ में डिफरेंस कितनी ज़्यादा डिफरेंस आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था फॉर मी एज वेल, क्योंकि A4 सीट अगर इतनी बड़ी है तो A5 कुछ ज़्यादा ही इसके कंपैरिजन में छोटी है। तो ये रहा A4 एंड दिस वन इज A5। सो ये था अनबॉक्सिंग A5 ड्राइंग सीट्स की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।